समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद कैलाश यादव, उबरा सोनभद्र से पूर्व विधायक सुनील यादव और मिर्जापुर के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल, सीतापुर की पूर्व सांसद कैसर जहां और पट्टी प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक राम सिंह पटेल और पूर्व विधायक लहरपुर से जसमीर अंसारी और आशीष मिश्रा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और भारी संख्या में बताया जा रहा है अन्य पार्टियों के राजनीतिक दलों के नेता जो है समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और कल जिस तरीके से उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे, उपचुनाव के में क्या कुछ नतीजा देखने को मिलेगा, 7 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और बिहार के कहा जा सकता है प्रदेश चुनाव का भी कल रिजल्ट आना है, ऐसे में सबसे अहम यह है कि कल क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जहाँ पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ पर तमाम लोगों समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइए आपको समाजवादी पार्टी के कार्यालय लिए चलते हैं। राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल अपने विलय समाजवादी पार्टी में अपने पूरे संगठन को विलय की घोषणा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने कुछ नेताओं के नाम आपके सामने रखे, इनके समर्थक कुछ उस हाल में हैं और बड़ी तादाद पर पूरे प्रदेश के पैमाने पर इन सभी नेताओं के समर्थक हैं। वो सारे समर्थक आज समाजवादी पार्टी में आप सबके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हैं और कल विंध्यवासिनी मंदिर के पुरोहित राज मिश्रा जी ने, डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी ने, शैलेश कुमार पांडे जी ने सैकड़ों की तादाद पर कल समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। अब मैं अनुरोध करूंगा दीप, सर्वप्रथम श्री अभिषेक कुमार शर्मा अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्री से अनुरोध हो कि हमें और संक्षिप्त शब्दों में मीडिया के सामने अपनी बात रखें। श्री अभिषेक कुमार शर्मा, सभी को नमस्कार। जय समाजवाद और जय अखिलेश भैया की। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने मुझे पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया की यात्रा साइकिल से करने के बाद मैं जब भारत लौटा और मैंने देखा कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी पहचान है और बहुत बड़ा नाम है और मेरे जैसे करोड़ों युवा जिनके हमारे अखिलेश भैया जी आदर्श हैं और मुझे सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला 28 तारीख को और आज मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आपको आपको बताना चाहूँगा दो तीन चीज़ों जिन्हों को मैंने गौर किया उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा, भारत में साइकिल यात्रा, पूरी दुनिया में साइकिल यात्रा के माध्यम से कि भैया ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो दुनिया का सर्वोत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है। मैंने दुनिया के जितने भी बेहतरीन एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो जर्मनी के ऑटोवन हो, चाहे US के इंटरस्टेट्स हाईवेज हों, फ्रीवेज हों, सब पे चलाई है साइकिल और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक्सप्रेस वे पर भी साइकिल चलाने का मौका मिला अभी जब मैं दिल्ली से। तो मेरे जैसे करोड़ों युवाओं ने ठाना है कि हम 2022 में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री जी बनाएंगे और मैं ये यकीन से कहता हूँ जिस तरह से प्रदेश में माहौल बन रहा है, हजारों हजार लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं कि अखिलेश जी और मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी और आप सभी हमारे प्रदेश को बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारे पार्टी के सम्मानित गणमान सदस्य हैं सभी का और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अभिषेक जी ने पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की है, उनका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत। मैं अनुरोध करूँगा लेखक दीपक पांडे जी से, जिन्होंने आज काला धन पुस्तक नहीं
जिन्होंने मंदी के जनक पुस्तक का विमोचन दीपक पांडे जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से कराया है, मैं दीपक पांडे जी से अनुरोध करूँगा आवें और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी उपस्थित महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज इस मंच के माध्यम से मोदी सरकार के द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले से देश में जन्मे आर्थिक मंदी की सच्चाई से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि अब समस्त भारत का जनमानस जान चुका है, समझ चुका है कि नोटबंदी देश की सबसे बड़ी आर्थिक आपातकाल प्रायोजित लूट और देश को आर्थिक त्रासदी की तरफ धकेलने वाला हड़बड़ी में तानाशाही तरीके से लिया गया एक अपरिपक्व राजनीतिक फैसला था, क्योंकि नोटबंदी करने से पहले मोदी सरकार ने RBI से पूछा तक नहीं था, जबकि देश के सभी बड़े आर्थिक फैसले बिना RBI की अनुमति से नहीं लिए जाते हैं। आपको ज्ञात हो कि 1.25 महीने बाद RBI ने नोटबंदी का जो परमिशन दी थी कि आप नोटबंदी कर सकते हैं, नोटबंदी के 1.25 महीने बाद। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे एक देश था अर्जेंटीना में क्या हुआ था कि वहाँ की सरकार वहाँ के रिजर्व बैंक पे हनक और अपना दबीज बनाना शुरू की और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई। और ठीक वही काम यहाँ भी हो रहा, आपने देखा होगा जब जब भी सत्ता ने रिजर्व बैंक पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है तो यहाँ के अधिकारी जो हैं उससे कट के छोड़ के भाग हट जाते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। नोटबंदी ने मंदी को जन्म दिया, उसके बाद GST और मोदी सरकार की अन्य नीतियों ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। इतनी बड़ी जो मंदी आ गई है भारत में, ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण है। आपको बता दें, भारत में स्टार्टअप फंड देने के लिए बहुत कम कंपनियां हैं। स्टार्टअप फंड के नाम पे चीनी कंपनियों ने भर भर के इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इंडिया का जो है, आपने देखा होगा कालीन मार्केट, इस टाइप के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए, और जिसकी वजह से मंदी ने विराट रूप ले लिया। ट्रेड वार, आपको पता है, बताना चाहूँगा कि 1980 के दशक में ट्रेड वार हुआ था, तो इस ट्रेड वार का फ़ायदा लेते हुए चीन ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया था। आज फिर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार हो रहा है। अगर भारत चाहता तो इस ट्रेड वार का लाभ लेकर के अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके एक बड़ा विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेता और उसके बाद RCEP में इन्वॉल्व होकर के पूरे विश्व की 20% मार्केट में जा करके व्यापार कर सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों फैसलों से पीछे पैर खींच लिया, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बना लेते तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी थी उसका समाधान हो सकता था। लेकिन इनको पता है कि अगर आप के पास रोजगार होगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो आप इनके चलाए जाने वाले एजेंडे में नहीं फंसेंगे। उसके बाद मैं लास्ट कहूँगा कि क्या हुआ है कि मोदी सरकार ने एक नेक्सस बनाया है, NCLT एक राष्ट्रीय कानून है जिसके माध्यम से बहुत सारी, आप जाकर के NCLT के बारे में अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि 12,000 करोड़ की कंपनी को NCLT में जाकर के सरेंडर किया जाता है, 2,000 करोड़ में बिकती है, उसके बाद क्या करता है 400 करोड़ बैंक से लोन लेकर के डाल देते हैं और उसके बाद उस कंपनी को फिर से 12-15 हज़ार करोड़ करके फिर से वो उनके पास सारा पैसा आ जाता है। तो क्या ये हुआ है कि भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो गया है। बहुत शॉर्ट समय में मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पार्टी में शामिल होने के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, लेखक नरेंद्र प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं, वो आवें और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना बस कहना चाहता हूँ कि सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कराता हुआ चेहरा जिसका, सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कराता हुआ चेहरा जिसका,
हर एक पल समाज हित में कटे, जिसका अपने पराये में कभी फर्क नहीं करते, अखिल विश्व के इस हैं अखिलेश नाम जिनका। मैंने जो काला धन पुस्तक लिखी है और उसमें मैंने ये दिखाया है कि काला धन जो है वो नोटबंदी के द्वारा कितना अपने देश में आया। तो सर्वप्रथम मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एवं समस्त यहाँ पर जो लोग हैं इसमें सभागार में, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में आज का दिन जो है बहुत ही चिंता एवं चिंतन का दिन है। समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से विख्यात काला धन किसी भी देश के लिए अभिशाप होता है। समस्त प्रकार के भ्रष्टाचार की जननी काला धन है और काले धन को समाप्त करने के लिए और इसको कम करने के लिए पूर्व में बहुत सी विधियां अपनाई गईं, लेकिन 8 नवंबर 2016 की जो रात्र की जो ये घटना थी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये घटना नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि इसको दुर्घटना नाम देना इसलिए उपयुक्त होगा क्योंकि इस दिन पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गईं, कितनों की शादियां टूट गईं, किसानों को खाद पानी नहीं मिल पाया, अस्पतालों में पता नहीं कितने लोग मर गए, उनकी जानें चली गई और उनको दफन के लिए कफन का पैसा नहीं था लोगों के पास, ये स्थिति थी। लेकिन क्या जो 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी उसके उद्देश्य क्या पूर्ति हो पाई, ऐसा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और नोटबंदी के उद्देश्य जो थे क्या था कि काला धन हम वापस लाएंगे और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाएगा, नक्सलवाद है इसको ख़त्म किया जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा, क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। अब भारत की जनता से वादा किया गया था कि विदेशों में जमा काला धन अपने यहाँ आएगा और सबको बांटा जाएगा, लोगों ने खाता भी खुलाया, वही दशा हो गई कि गाँव के लोग जानते हैं कि घर के धान प्यार में डाल देना, वही हुआ, अपने जेब से पैसा लगाकर लोगों ने खाता खुलाया लेकिन पैसा नहीं आया, एक सपना रह गया। और अगर वास्तव में देखा जाए तो काला धन अगर निकला तो कहाँ से निकला? महिलाओं जो जोर बटोर के लोग गाँव में पैसा रखते हैं और किसान और टूटे फूटे जंग लगे बक्से में और वो बक्सा जो कि पीछे से जंग लग जाता है, लोग दफ्ती लगा कर रखते हैं, कपड़े के नीचे पैसा रखते हैं, वो काला धन, वही इनके नज़र में काला धन हुआ। इसके अलावा कुछ भी आज तक काला धन नहीं आया। एक RBI की रिपोर्ट में कहा गया कि 98.7% जो नोट 1000 के थे वो जो चलन में थे 98.7% वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए और 1.3% जो रह गया वो नहीं आया। तो काला धन वो गया कहाँ? काला धन तो 1.3% जो हुआ वही हुआ जो फटे कट नोट जो लोग अपने जमीन में गाड़ी किसान और गरीब लोग रखते थे वो बेचारे लाइनों में नहीं लग पाए। और जब माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उस समय मुख्यमंत्री थे और जो बैंकों में लाइनें लगी रहती थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कहा, अपील भी की कि ऐसा है कि जो लोग हैं इन गरीबों को मदद करिए। और यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने जो पार्टी के लोग सब लोगों ने क्या किया, पूड़ी बंटवाई, कोई चाय परवा, मतलब आप जो एक सहृदयी व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा सहृदयी व्यक्तित्व मुस्कराता हुआ चेहरा जिसका, इन्होंने सबके लिए किया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं अपनी करूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कथनी करनी में अंतर जिनके, उनका होता है काला मन, अब तक नहीं खोज पाए जो देश का दुश्मन काला धन, नोटबंदी का गलत फैसला नहीं ला सके काला धन, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कहाँ छुपा है काला धन? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे प्रेस के भाई हैं उनके समक्ष अपनी बात रख दे देना। अभी जो दो साथी थे उन्होंने बहुत सीरियस नोट पे अपनी बात ख़त्म कर दी और खुशी की बात यह है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं। आंकड़े अब सबके पास हैं, जो नोटबंदी के आंकड़े हैं
उसकी जानकारी सबके पास है। और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं, जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले गए। जो आरबीआई के आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं कि पूरा का पूरा पैसा जमा हो गया, जितनी करेंसी आरबीआई में आनी थी वो पूरी की पूरी करेंसी वापस आ गई। और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ऊपर जानी चाहिए थी नहीं आई और अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मुझे खुशी है कि जहां हम आज खजांची को याद कर रहे हैं, खजांची का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही सीतापुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सीतापुर में लगातार जनता के बीच में रहने वाले, और जिस समय मैं गया था उनके काम को मैंने देखा है, ऐसा दरवाज़ा बहुत कम शहरों में बना होगा जो इन्होंने अपने टाउन एरिया के इलाके में बनाया है। ऐसे दोनों लोग श्रीमती केसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं, साथ ही साथ जसमीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सुनील सिंह यादव जी, रमेश राही जी, बड़ी संख्या में और साथी जो जुड़ रहे हैं इनके साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हाल ही में जेडीयू के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता नेता जो लगातार काम कर रहे थे वो आज पार्टी में शामिल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अरविंद पटेल जी का, इनके साथ बहुत सारे साथी जो यहां भी हैं, हमारे दूसरे हॉल में भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया, इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का। और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल पर इनका अनुभव ज्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी, एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी, और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप दो सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें, मैं बुला लेता हूँ खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठो बैठो।
बैठ लो 5 मिनट, अनभद्रे बैठाओ 5 मिनट, अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा ठीक ठीक ठीक, अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो क्यों? लाइए हमें दीजिए ये मांस तो बचाने के लिए है अच्छा अभी उनसे अनाउंस करवा दो आप, अध्यक्ष जी अनाउंस कर दे, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो जी। ये देखिए जो जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं, व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से ये फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि जो नोटबंदी हुई है ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है, मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली धोखा प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की, व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। ये सरकार हटे कानून व्यवस्था ठीक होगी। अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। मैं तो जो चैनल देख रहा हूँ वो 180 बता रहा है तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा। समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे
उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया, और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया कि वहां के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिलाकर के, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पल्ला भारी है। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हम तो कहेंगे कि बहुत सी चीजें फ्री होनी चाहिए, एक्सप्रेसवे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेसवे फ्री क्यों नहीं है, इलाज फ्री क्यों नहीं है, आपका बिजली इतना महंगा है ये फ्री क्यों नहीं है, बिजली आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता बिजली का बिल नहीं देते हो, या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है, फ्री ही करना है, तो हमारे किसान जिसका धान की आप MSP नहीं दे पाए हो उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो। आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें MSP मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का मिस्ड कॉल नंबर। आप ही इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। मुझे खुशी है इस बात की इस पत्रकार साथी ने कम से कम एक ही सवाल में भारतीय जनता पार्टी के कई झूठों का उजागर कर दिया है। 3 किए हैं तो इनकी गिनती मैंने कर ली कि 3 झूठ। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं बताया कि बिजली कहां बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार 4 साल हो गए हैं, कम से कम कोई बिजली का कारखाना नया लगाया हो तो बता दो। केवल मीटर गड़बड़ किए और लोगों से बिल वसूल लिया, एक भी फीडर अलग नहीं कर पाए। अभी स्वास्थ्य की वजह से बहुत लोग साइकिल चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए जिन्होंने ये कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि लाखों नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं और केवल पुलिस विभाग में। मेरा आपसे निवेदन है, ये दूसरा सवाल है, इससे पहले वाला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को क्या वो बात याद है जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि पिछली सरकार ने लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती से रोका। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो लाखों जगह जो हैं वो कब भरेंगे। वाराणसी से एक सवाल है, काशी कॉरिडोर के नाम पे गंगा जी के आगे ललता घाट पे पूरे रेत से गंगा जी को पाटा जा रहा है जो कि वहाँ खनन पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक है। हम लोगों ने कई बार
उसको प्रकाशित भी किया, सारी चीजें हुआ, लेकिन आज के डेट में काशी कॉरिडोर के नाम पे जो जुर्म, जो एक संस्कृति को जो है मिटाई जा रही है, वो समाजवादी पार्टी कुछ जो है संस्कृति को संरक्षण करने के लिए किस दिशा में कदम उठाएगी, कैसे उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जो हमारी संस्कृति थी बनारस की। और फिर माँ गंगा की कसम खा करके न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की BOD क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ हो गई? साफ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ करने का जिम्मा उठाया था उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिलकर के रहते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया, पता नहीं बजट का क्या हुआ संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है। आप खजांची बुला लूं? हाँ, पूछ लीजिए 2022। मैंने ये कहा था कि दो सवाल वादी खजांची को बुला लेना, शायद उसके बहाने बच जाता मैं आपसे। जी समाजवादी सरकार बनेगी, मंडियां चालू होंगी और तमाम फल सब्जी अनाज आपको सस्ता मिलेगा, लोहिया जी की दाम बांधो नीति लागू होगी। अभी 1 साल है, हमारी साइकिल ऐसी है फ्री है, पैडल मारिए चलते चले जाइए। अब मैं बहुत बहुत बधाई, खजांची का स्वागत है। और खजांची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है? नहीं, वो बोलना, नाम बोलना पड़ेगा। श्री गौरव मेहता जयपुर के हैं, आप यहाँ जाएंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साइकिल, मैं नीचे चला जाऊंगा, ठीक है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरव मेहता जो जयपुर से आए हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साइकिल भेंट करेंगे। आप लोग बैठ जाए। श्री शत्रुघ्न सिंह जो बहुजन, शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो राधा कृष्ण की मूर्ति मेमेंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा भेंट करेंगे। आगे जाओ, आगे जाओ। श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राधा कृष्ण जी की मूर्ति, सुल्तान और हिमांशु मेट्रो मेमोंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जी मेट्रो जो लखनऊ के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कम समय में मेट्रो रेल चलाई, उसी का चित्र सुल्तान और हिमांशु द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेट्रो रेल, मेट्रो रेल आपके समक्ष। ये जो मेट्रो हमें दे रहे हैं इनका डब्बा हम रख लेंगे, ट्रेन हम खजांची को दे रहे हैं। तो इन्हें डब्बे से मतलब कि नाम हम जान जाएं इनका कि किसने दिया है, मेट्रो हम बच्चे को दे रहे हैं। इसे निकालो। श्री राजेश प्रजापति जी, जब राजेश प्रजापति जी जो सर्वश्रेष्ठ दल को विलय किए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साइकिल और अंग वस्त्र। राजेश प्रजापति डिस्टर्ब हो जाएगा, सो व्हाट टू डू देन? ओके, ब्रिंग इट अप देन। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति जी, इन्होंने अपना दल विलय किया है, नौजवान है, आपका आशीर्वाद। बधाई जी,
भाई वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई। ठीक है, राजेश प्रजापति द्वारा मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगवस्त्र। एक काम करिए, ये और पगड़ी, और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दल समाजवादी पार्टी को चुना है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई राजेश प्रजापति जी। रुक जा। आप लोग बैठे रहना है। ओ यार प्रेस, तुम लोग सब प्रत्येक वर्षों की भांत खजांची का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज भी खजांची का जन्मदिवस इस सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार के उपस्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खजांची का जन्मदिवस समारोह आप सबकी उपस्थिति में ये भी इंजीनियर हैं, इन्होंने अब इनकी मेट्रो में उसको दे दे रहा हूँ खजांची को। कहाँ है हिमांशु और सुल्तान द्वारा मेट्रो रेल जो भेंट की गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खजांची को भेंट कर दी। नीलू सिंह प्रधान जी, ए आने दो, ने एक दो लोगों को आ जाने दो, आ जाएंगे आ जाएंगे। भाई कहाँ, अभी रुक जाओ बेटा, अभी अभी काटना नहीं, चिल्लाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद खजांची को मिले, क्योंकि ये भी दुनिया के ऐतिहासिक खजांची को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे दुनिया के पैमाने पर पहचान करा दी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक भारत का भविष्य खजांची, एक गरीब आदमी का बच्चा, एक गरीब माँ का बेटा, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोटेक्शन हर तरीके का मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस बच्चे को अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि भारत के भविष्य को बनाने में सहायक हो सके। गिफ्ट देंगे। देखिए मैंने ये कहा कि हमारे विधायक और एमएलसी लोग बैठे हैं, ये लोग इधर भी कुछ खिलौना लेके आए हैं। आप कौन खिलौना लेके आए हैं? नरेंद्र वर्मा जी भी लिए हैं, लेकिन आगे आगे आइए तो आगे से देते रहेंगे तीनों। अरुण वर्मा जी और हम अपनी तरफ से और डिंपल की तरफ से 11,000 रुपए खजांची को दे रहे हैं। खजांची को आप सबका आशीर्वाद, आपका सबका दुआएं, शुभकामनाएं मानी डिंपल जी द्वारा, मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेंट की गई। एक एक करके देना, बारी बारी से नाम बोलो ना। श्री ललई यादव जी ने दिए, ललई शैलेंद्र यादव, ललई प्रभु नारायण जी, श्री प्रभु नारायण जी विधायक जी, ये आनंद भदौरिया को सम्मान कर रहे हैं, ये आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी गिफ्ट दे रहे हैं और चॉकलेट भी खिला रहे हैं, खिलौना भी लेके आए आप। ऊपर आ जाओ, बारी बारी से ऊपर आ जाओ, नरेंद्र वर्मा जी ऊपर ले लो। एमएलसी उदयवीर जी, ये समझदार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गरिमामय उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा इस बच्चे का पूरे देश दुनिया में नाम पहुंचाया। ये भारत के लिए संग्राम भी मदद कर रहे हैं, विधायक संग्राम, लीजिए संग्राम पकड़िए, ये तो किताब है उसकी, ले रहा ले रहा। सभी लोग बच्चे को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बस हो गया है? कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है। ए सुनो ए अर्जुन, पहले मीडिया 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 मीडिया, ये तो अपने सुनो, पहले मीडिया के पास जाओ, उनको जाना है। दूसरा डिब्बा कौन लिया? एक ही लेकर